लाल बाबू पंडित जी, आपकी फिल्म आज मुंबई में रिलीज हुई है, आपने फैंस लोगों के साथ फिल्म देखी, क्या एक्सपीरियंस रहा है? पहले तो विजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हमारे साथ फिल्म देखी और ऑडियंस के साथ हमने फिल्म देखी। ऑडियंस बहुत भावुक थे, जहाँ एंजॉय कॉमेडी थी वहाँ कॉमेडी, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ऑडियंस से मैंने बात किया तो सब ने फिल्म की सराहना की है। पूजा जी आपने भी देखी है फिल्म, आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी सर। और क्या दर्शकों से और क्या क्या बात हुई? बस दर्शकों से मैंने पूछा फिल्म, तो बोले सर बहुत दिन बाद ऐसी एक फिल्म देखने को मिला है जो तो पूरे परिवार के साथ एक इतनी अच्छी सब मैसेजेबल सिनेमा है, तो हर एक को देखना चाहिए। बोला हम लोग सर निकल रहे हैं पूरा, हम लोग लोगों को बताएंगे, प्लीज़ एक बार फरिश्ता को जाकर आप लोग देखिए। फरिश्ता 2 को लेकर बात हो रही है, कब तक दर्शकों के बीच आएगी, कुछ बताइए उस बारे में। अभी तो देखिए फरिश्ता है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का प्यार इस तरह से बढ़ता रहा तो फरिश्ता 2 भी बहुत जल्द आएगी जी। फिल्म बिहार में कल रिलीज हुई, काफी पसंद की गई, क्या रिस्पांस वहां से आया है, कुछ बताइए। बिहार का मतलब जब खेसारी जी का मेरे पास फोन आया, फिर मैं दूसरों से और लोगों का जितने भी थिएटर से, तो कल मैक्सिम थिएटर हाउसफुल थी और लोग बोल रहे हैं जो KGF का जो ओपनिंग लगा था उससे बढ़कर ओपनिंग लगा है। मैक्सिम थिएटर फुल थी, टिकट नहीं मिला, बिना पटना नाइट शो में हाउसफुल थी, आनंद मंदिर, यूनाइटेड, मोतिहारी संगीत, शंकर, सब हॉल का ही। और मेन हमारा जो होता है जो पब्लिक रिएक्शन क्या, पब्लिक ने जब फिल्म देखी है तो पब्लिक का रिएक्शन क्या है जी? तो हमारी तो भगवान हमारे लिए जनता ही जो है, जनता ही हमारे लिए भगवान है, तो ऑडियंस का, दर्शकों का प्यार मिल रहा है, तो मैं लालू पंडित आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अच्छे सिनेमा को आप लोग सराह रहे हैं, अगर आप लोग सराह रहे हैं तो मनोबल और बढ़ता है, जैसे लोग थिएटर में नहीं आते, लेकिन आप लोगों ने कल गलत साबित कर दिया, जो अगर अच्छी सिनेमा आएगी तो हम थिएटर तक भी आपके देखने आएंगे। तो लोगों ने इस चीज़ को झुठला दिया है, जो भोजपुरी सिनेमा थिएटर में नहीं चलती है, और हमारी फरिश्ता टीम विशेषकर हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का एक अलग किरदार है इसमें, हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, मेगा श्री, पूजा गांगुली, अमित शुक्ला जी, श्रद्धा नवल जी, रिंकू भारती, खुशबू यादव, सोनू पांडे, प्रकाश जय जी, मंजे हुए कलाकार थे, सभी ने बहुत अच्छा अपना जो उनका किरदार था निभाया, तो मैं तो उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ नहीं बोलूँगा पूजा जी, जो हमारे टीम, जो हमारे बैक ड्रॉप की है, जो राइटर हमारे अरविंद तिवारी बाबा, उन्होंने बहुत उम्दा कहानी लिखा, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कृष्णा वेदर्दी जी, उन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया, जो अभी ट्रेंडिंग में भी चल रही है, हमारे कैमरामैन प्रिंस जी, हमारे एडिटर जीतू जी, हमारे मार्केटिंग हेड विजय यादव जी, हमारे EP प्रोडक्शन कंट्रोलर EP जो हमारे विजय प्रसाद जी, जो उस तरह से लोकेशन मुहैया कराया, हमारा प्रोडक्शन का अमरजीत दास, तो सभी ने, हमारे मार्केटिंग के विजय यादव जी, हमारे PRO संजय भूषण पटियाला जी, सबका, अगर किसी का नाम भूल जाऊं तो क्षमा कीजिएगा। खेसारी जी से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कितनी खुशी जताई? बहुत खुश, कल से ही बात हुई, जब हम लोग सिनेमा देख रहे थे तो ग्रुप में आए, अभी उनका फोन आया था सिनेमा देखते वक्त, तो बोले आप कहाँ हैं, मतलब बॉम्बे में, बोले आप जल्दी पटना भागिए, तो मैं आज पटना निकलूंगा, रात की कोई फ्लाइट लेकर पटना जाऊँगा, तो वहाँ भी ज़रूरी है मीडिया से रूबरू होना, सब हो सकता है खेसारी जी भी अब अपने फैंस से मिलने पहुँचे, जो आप लोग प्यार दे रहे हैं, तो थिएटर तक खेसारी जी जाने वाले पटना में, पटना जाने वाले हैं, अगर इसी तरह हुजूम लोगों का रहा, जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे लगता है जो खेसारी जी से बात हुई, तो खेसारी जी आपके चहेते स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, और जो हमारे जितने कलाकार हैं, हम लोग आपसे रूबरू हर प्रत्येक हॉल में आएंगे मिलने के लिए, आप लोग का प्यार इस तरह अगर बना रहा है तो जरूर आएंगे आपसे मिलने। खेसारी जी ने मुझसे कहा है जो भाई जी देख जाइए आप, पटना क्या स्थिति है मुझे बताइए, हालांकि वो जाते लेकिन वो बहुत दूर कश्मीर में शूट कर रहे हैं, कोशिश हम लोग कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं आने के लिए, तो देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच।